जल्दी से ना हो जाके अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शब्बे बारात मुबारक हो। तो आज है शब्बे बारात और सब हैं घर में रोज़े से। तो हमारा छोटा वाला भाई तो अभी रोज़े रखते नहीं हैं, तो उनके लिए बन रहा था ब्रेकफास्ट। बंद नहीं था, अभी रेडी थी। ठीक है, तो यहाँ मम्मी भी थी रोज़े से और भाई भी था। जल्दी से ना हो जाके। मम्मी क्या कर रही हैं? नज़र करवाए भी। तो दोपहर हो गई थी तो मम्मी खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि रोज़ा भी था, इफ्तारी भी बननी थी और खाना भी बनना था, प्लस हलवा भी बनना था और उस पर नज़र भी होनी थी। फाइनली हलवा बन गया था, मम्मी इसको जमा रही थी। हलवे के अंदर भी मम्मी ने मावा डाला था, बस पर डेकोर के लिए मावा डाली थी। हमारा हलवा बन गया है, फाइनली डेकोर भी हो गया है। इसको रख देंगे हवा में, ठंडा होने के बाद इसकी पीसेस काटेंगी मम्मी। मम्मी ने हलवे को दो जगह डिवाइड किया है ताकि अच्छे से पीसेस निकल आए, ज़्यादा मोटी पीसेस ना निकले। अब ये दूसरा हलवा बन रहा है, इस पर होगी नज़र। सबसे पहले रवे को भून लिया था मम्मी ने, जब वो भून गया तब इसमें थोड़ा सा डाल दिया था पानी और शक्कर, उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल रंग डाल दिया था मम्मी ने इसमें। उसके बाद हलवे को अच्छे से पका लेना है, पानी सारा सूख जाए। पानी सूख चुका है, हमारा हलवा बनके रेडी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो नज़र का भी हलवा बन चुका है, अब जा रही है बिरयानी की यखनी बनने। तो मम्मी ने चिकन में रंग लगा के रख दिया था, प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को अच्छे से भून लेंगी, उसके बाद इसी में इससे लगे हाथ डाल देंगे मसाले, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ पीसी मिर्च। उसके बाद मम्मी ने इसमें ऐड किया है नमक, बिरयानी। तुम लेकर आओगे भी? उसके बाद मम्मी इसमें ऐड कर रही है खुशबू का मसाला, गरम मसाला मम्मी ने पीस के रख लिया था पेस्ट बना के, वो इसमें ऐड किया है। तो यहाँ हमारा चिकन बुन रहा है और मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। यहाँ मैंने बंधा काट कर लिया है पकौड़ी के लिए, उधर बंधा थोड़ा सा काटा है मैंने मैकरोनी के लिए। कितने मिनट पकाएंगे? तो 5 बज चुके हैं, मैंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दिया है। तो इफ्तारी बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली मेरी इफ्तारी बनके रेडी है। मैंने बनाया था आलू की पकौड़ी एंड बंदे की पकौड़ी, मैकरोनी, पापड़, चटनी और हलवा तो मम्मी ने बनाया था। वैसे पापड़ भी मम्मी ने तला है एंड बंदे की पकौड़ी भी मम्मी ने बनाया है। इनको देख लो, नमाज बिछी हुई और इनकी हरकतें। सिर्फ पराठा मचाए, बस हो गया। उसके बाद बिरयानी ना, बिरयानी तो लास्ट में बनेगी। वाओ। तो फाइनली अजान हो रही है और यहाँ सब रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए हैं। ये आ गए हमारे छोटे भाई अजान के वक्त। तो रोज़ा खोलने के बाद भाई दे रहा है नज़र। तो यहाँ चिकन बन चुका है, मम्मी ने सारा तीरा निकाल लिया है बिरयानी में डालने के लिए। तो चावल भी हमारे हो गए हैं, मम्मी इसको हाफ़ कर रही हैं ताकि हाफ़ में अखनी डालती हैं।
अखनी डालने के बाद जो हाफ चावल मम्मी ने निकाले थे वो सब उसमें डाल दिया। उसके बाद मम्मी ने उसमें रंग डाला और तीरा ऐड कर रही हैं। ऊपर से जो चिकन में से निकाला था ग्रेवी मम्मी ने वो ऊपर से डाल रही हैं। उसके बाद आधा ढक्कन डाला केवड़ा और 10 मिनट तक दम पे रख दिया। क्या करने जा रही हैं मम्मी? तो मम्मी जा रही हैं बिरयानी पैक करने बाबा को देने के लिए। तो शबे बारात वाले दिन गरीब को खाना दिया जाता है, मम्मी बता रही हैं। एक खुराक दो खुराक जो आपसे बन पड़े आप निकाल दें। उस दिन जितना हो सके गरीबों को देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ये मम्मी बता रही थी मुझे। एक डिब्बा पैक हो चुका है, ऐसे ही करके बाकी के सारे डिब्बे पैक कर लेंगे। मेरे दुपट्टे में बोझ रही है। इनको बड़ी लेट होती है क्या? हमें चकना तो अभी नहीं, अमन से बचेगी तब खा लेंगे। उसको लगा बन के पैक कर ही रखी होगी, अभी निर्माण आया नहीं अभी तक। सुबह से लगी है तो अच्छी तो बनेगी। तो गाइस यही था मेरा आज का डे शबे बारात स्पेशल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।